किसी गांव के एक छोटे से बच्चे का नाम मोनू था। मोनू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह बड़ा होकर सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा और अपनी और पूरे गांव की मदद करेगा। वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मोनू के पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, जहां से वे सिर्फ घर के गुजारे लायक ही कमा पाते थे और माँ घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मोनू को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। लेकिन मोनू का दिल और सपना दोनों ही बहुत बड़े थे और उसने हार नहीं मानी, क्योंकि मोनू ने अपने टीचर से सुना था, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं भगवान भी उन्हें देते हैं। मोनू के पास कोई भी खेलने का सामान नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ भी सीखना था उसे अपनी गरीबी से और उन परिस्थितियों से सीखा। वह रोज रात को लैंप की रोशनी में अपनी किताबें पढ़ता था। क्योंकि मोनू के घर में लाइट नहीं थी, वह पूरी पूरी रात लैंप की रोशनी में पढ़ता था और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। एक दिन मोनू ने एक विद्यालय की लाइब्रेरी में एक पुरानी पुस्तक मिली। उस पुस्तक में एक कहानी थी जो मोनू के जैसे ही लड़के की थी, जिसमें एक गरीब लड़के ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया था और अपने सपनों को पूरा किया था। मोनू को उस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली। उसने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। वह अपने प्रिय शिक्षक से सलाह लेने के लिए गया और उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताया। शिक्षक ने मोनू को समझाया कि सपने सिर्फ देखने से ही पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और उत्साह की आवश्यकता होती है। मोनू ने उसकी सलाह को मान लिया और मेहनत करने का फैसला किया। मोनू के टीचर ने उसे पढ़ाई में मदद करने का वादा किया और खूब पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मोनू ने रोजाना पढ़ाई करनी शुरू की और उसने अपने प्रिय विषय में अधिक ध्यान दिया। उसने अपने विद्यालय के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उनमें जीत भी हासिल की। विद्यालय के सभी टीचर मोनू से बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था मोनू जीवन में जरूर कुछ बड़ा करेगा और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। समय के साथ मोनू की मेहनत और उत्साह ने उसे उसके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। उसने पढ़ाई में बहुत ही अच्छे नंबर लाए और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते गए। अंत में मोनू ने अपने सपने को पूरा किया। वह बड़ा होकर एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसकी मेहनत, उत्साह और अदम्य संघर्ष की कहानी उसके गांव में हर किसी के दिल को छू गई। नन्हे मोनू के बड़े सपने की कहानी सबको ये सिखाती है कि अगर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। सपनों को पूरा करने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत और उत्साह से अपने मकसद की दिशा में बढ़ते रहें तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है।